नमस्कार साथियों, आज है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रीट की जल्द जारी होगी फाइनल कट ऑफ। कट ऑफ मार्क्स में बढ़ोतरी तय, नए सेशन में पोस्टिंग पर भी विचार किया जा रहा है। नीट पीजी के लिए इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने की याचिका को है वो खारिज कर दिया गया है। खुशखबरी, टीचर्स के 9760 पदों पर हो गया बम्पर भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए आरपीसी की ओर से। रीट पेपर लीक होना गंभीर, किसी भी दोषी को नहीं जाए बख्शा, हाईकोर्ट का आदेश। 9760 वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के जो आवेदन होने हैं वो 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 10 मई तक आप इसके आवेदन है वो कर सकेंगे। इसके लिए आपकी 1 जनवरी 2023 तक 18 से 40 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। पिता की मृत्यु के बाद बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मां की सहमति जरूरी है। शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 180 व लेवल 2 में 130 अंक राजस्थान जीके के होंगे। सेना में 3 साल की भर्ती, सरकार सेना में 3 साल की फिक्स्ड अवधि के लिए भर्ती के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव सेना प्रमुख MM नरवाने ने 2020 में रखा था। नवी में प्रवेश की जो परीक्षा है नौको होगी, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। सरकारी शिक्षक की बोर्ड एग्जाम की कॉपियां को करेंगे मूल्यांकन, सरकारी टीचर। 10वीं बोर्ड विज्ञान का एग्जाम हुआ और 12 को गणित का हुआ। 12 अप्रैल से मिलेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड। 20 अप्रैल तक स्कूल को इंटरनल नंबर अपलोड करने होंगे। JEE के आवेदन में सुधार प्रक्रिया शुरू, परीक्षा 21 से। IBSC परीक्षा जांच के बाद 15 दिन में भेजने होंगे ऑनलाइन अंक। इग्नू BEd प्रवेश परीक्षा वह फर्स्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 8 मई को, पात्र अभ्यर्थी 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। RPSC ने निकाली 9760 सीनियर टीचर्स की भर्तियां, 11 अप्रैल से 10 मई तक कर सकेंगे इसके लिए आवेदन। आज का सुविचार, विश्वास समंदर की तरह है, ये कितना गहरा होगा ये आपकी सोच और ईमानदारी पर निर्भर करता है। तो आज के अपने समाचार है वो यहीं पर समाप्त हुए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।